बस आपसे क्या चाहते हैं भगवान? समर्पण। आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, बस भगवान इतना चाहते हैं। गोवर्धन का मतलब क्या है? गो मतलब क्या होता है? गो मतलब गौ माता, गौ माता। गो मतलब इंद्रियां भी होता है। गो मतलब गोवर्धन, मतलब गाय का वर्धन। गाय का वर्धन करने का मैसेज भगवान ने 5,500 साल पहले दे दिया था। ये बता दिया था कि आप गृहस्थियों के लिए गौ की कितनी आवश्यकता है। आज आप लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग गौ माता की सेवा से वंचित हो गए। आप गाय की सेवा नहीं करते। आप में से कुछ लोग कुत्तों की सेवा करते हैं। कुत्ते को नहलाना, कुत्ते को बिस्किट देना, कुत्ते को रोटी देना बुरा नहीं है, देना चाहिए। हमारे यहां तो दादी अम्मा कुत्ते की आखिरी रोटी निकालती ही है और वो हमें बताती है कि बेटा तुम भी निकालना। कुत्ते को रोटी देना मना नहीं है, कुत्ते का इलाज करा देना मना नहीं है, कुत्ते की देखभाल कर देना बुरा नहीं है, कुत्ते की हेल्प कर देना बुरा नहीं है, कुत्तों से मुंह चटवाना बुरा है। कुत्तों से अपना मुंह चटवाना बुरा है। कुत्तों को अपनी रसोई में घुसाना, अपने बेड पर सुलाना, ये बुरा है। गाय पवित्र है कि कुत्ता? बोलो क्यों? गाय और कुत्ते में कुछ लोग कहते हैं कि हम गाय की सेवा करें या कुत्ते की, दोनों जीव हैं, किसी की भी करें। हाँ हाँ, किसी की भी करो, पर सबसे सबकी तुलना नहीं हो सकती। सबसे सबकी तुलना नहीं हो सकती। गाय यदि सब एक समान होता, सब एक समान है क्या? ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी एक समान नहीं है और ना कभी एक समान हो सकता। जैसे आज लोग क्या करते हैं, हम सब एक समान की बात करते हैं, एक समान चलो हम करके देखते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या आपका दाहिना हाथ और आपका बायां हाथ हैं तो आपके एक से हैं, फिर भी दोनों का प्रयोग क्या एक समान है? बोलो, है नहीं? नहीं है। आपका मुंह, जब आपका हाथ आपके मुंह में जाता है, यहां गालों में, तो क्या हाथ धुलने की जरूरत पड़ती है? बोलो, नहीं? हां या ना? आपके गालों में जब आपका हाथ लगता है तो क्या हाथ धुलने की जरूरत पड़ती है? नहीं। पर यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो हाथ धुलने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो आपका ही तो शरीर था, आपके ही हाथ ने आपके ही शरीर को छुआ है, तो फिर धुलने की क्या जरूरत? पर जरूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक समान नहीं हो सकता। शरीर का अंग भी, सारे शरीर भी एक समान नहीं हो सकता। कुत्ता और गाय, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? गाय। इसलिए गाय को आज लोगों ने, श्रेष्ठ गाय को बाहर कर दिया और उस कुत्ते को भीतर कर लिया। सेवा करो सबकी, जीव मात्र से प्रेम हो, पर जो भगवान कृष्ण ने मैसेज दिया गाय की सेवा करके, आज गाय कत्ल खाने में कट रही है और कुत्ते बिस्किट चबा रहे हैं। आज आपके बड़े फ्लैट पे कुत्ते को रखने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके बड़े से फ्लैट में गाय को रखने में बहुत दिक्कत है। कहां रखे महाराज जी गाय? शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक गाय बहुत छोटी सी गाय होती है जिसको आप अपने फ्लैट में भी रख सकते हैं। अब देखो, यदि रखने का भाव है तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, और भाव ही नहीं है तो फिर बहाने बहुत हैं कि जी हम फ्लैट में रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, हमारी सोसाइटी में अलाउ नहीं है। नहीं, जितना जैसे कुत्ते के लिए आप करते हैं ना,
उससे कम खर्चे में गाय, एक छोटी सी गाय होती है, उत्तर में पाई जाती है, उत्तरांचल में ये गाय होती है। जितना छोटा बछड़ा होता है ना, ये गौरी गोपाल गौशाला में जब गैया एक बछड़े को जन्म देती है या बछिया को, तो बछिया कितनी सी होती है, आप उसे गोद में ले सकते हैं। छोटी सी नवजात बछिया हो या बछड़ा हो, उसे आप गोद में ले सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? थोड़ा बोलो सरकार। नए बच्चे को आप गोद में ले सकते हैं कि नहीं? इतनी बड़ी गैया होती है, इतनी बड़ी, ये देखो ये छोटा सा बच्चा है ना, ये इतनी बड़ी एक गैया होती है, जो इतनी बड़ी गैया होती है और इतनी ही बड़ी इससे जरा सा बड़ा, मतलब आप गोद में ले सकते हैं, बस ये हम समझा रहे हैं आपको। इतना बड़ा नंदी होता है, इतनी बड़ी गैया होती है और उसके बच्चे भी होते हैं और वो दूध देती है, और पूरी दुनिया में जितनी प्रकार की गाय हैं उन सभी गायों में वो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, वो गाय सबसे अद्भुत है, वो गाय देखने को नहीं मिलती ना के बराबर। लेकिन वो देखने को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप कुत्तों को पाल रहे हैं पर गाय के लिए जागरूक नहीं है, तो वो गाय लुप्त होने की स्थिति पर है। गायों पर संकट जानते हैं क्या, गाय की कितनी प्रजातियां तो लुप्त हो गईं। इतनी छोटी सी गाय होती है वो, आप भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग फ्लैटों में रहेंगे और वो बहाना बनाएंगे कि नहीं जी हम कुत्ते को तो रख सकते हैं गाय को नहीं, लेकिन भगवान ने इसलिए छोटे साइज की गाय पहली बना रखी है कि तुम कुत्ते की जैसे देखभाल कर सकते हो वैसे गौ माता की भी कर सकते हो, करने का भाव है। तो इस छोटी सी गाय के बारे में कितने लोगों ने सुना है, कितने लोग जानते हैं, वो हाथ उठाएं। आप जानते हैं, जानते हैं? नहीं, गिर गाय नहीं, गिर गाय तो ये गौरी गोपाल गौशाला में तो बड़ी होती है, साहिवाल, गिर, हरियाणवी, राजस्थानी, ये जो गाय हैं ये तो बड़ी होती हैं। एक गाय और होती है वो छोटी सी होती है, मैंने दर्शन किया है, जरा सी होती है, उसका बच्चा बहुत छोटा सा होता है, उसका नंदी, मतलब वो नंदी, तैयार नंदी, उसको आप अपनी गोद में ले सकते हैं, ऐसी छोटी सी प्रजाति है, छोटी सी गाय है और दूध 1 से 1.5 लीटर दूध देती है वो एक टाइम पर, और उसका दूध सबसे श्रेष्ठ है। अब वो गाय आपको मिल जाए, वो मिल जाएगी, आप सेवा करने लग जाएं तो आपके घर में वो गाय बिल्कुल ऐसी घूमती रहेगी, उसको बांधने की जरूरत नहीं है, पूरे घर में आपकी गाय डोलेगी। अच्छा है गोविंद के संग गाय, जिस आप में से कितने लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, गोपाल जी की सेवा है ना आपके घर में, लड्डू गोपाल जी, कितने लोगों के घर में गोपाल जी हैं? गोविंद की सेवा तब तक अधूरी है जब तक गाय की सेवा नहीं होगी।